नमस्ते। 2018 इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर में आपका स्वागत है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। पहला, संक्षिप्त तथा बिंदुवार सटीक उत्तर के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। दूसरा, वर्तनी अशुद्धि अव्यवस्थित तथा खराब लिखावट के मामले में अंक काटा जाएगा। और तीसरा निर्देश, उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं। अब हम हिंदी प्रश्न पत्र में चलेंगे, जो नीचे पेज नंबर 8 से 11 पर है। तो चलते हैं। पहला निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वैकल्पिक प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। 2×10=20। ए, किसी वस्तु की मांग से आप क्या समझते हैं, अथवा निकृष्ट वस्तु से क्या अभिप्राय है। बी, मांग की निजी कीमत लोच की परिभाषा दीजिए। सी, एक फर्म के स्थिर उत्पादन लागत के दो उदाहरण लिखिए, अथवा एक फर्म के उत्पादन की सीमांत लागत की परिभाषा दीजिए। डी, दिखाइए कि किसी फर्म की औसत आय इसके उत्पादित वस्तु का बाजार मूल्य के हमेशा बराबर होता है, अथवा प्रमाणित कीजिए कि मांग की कीमत लोच यदि इकाई हो तो एक फॉर्म का सीमांत आगम शून्य के बराबर होगा। सी, संकुचनशील वित्तीय नीति से क्या अभिप्राय है, अथवा सरकारी व्यय गुणक किसे कहते हैं। अगला है, परिक्षेपण की माप के रूप में परास की किन्हीं दो असुविधाओं का उल्लेख कीजिए। जी नंबर, भारत में आय असमानता के दो कारणों का उल्लेख कीजिए, अथवा भारत में गरीबी हटाने हेतु गृहित किन्हीं दो कदमों को लिखिए। एच, जीवन बीमा को आश्वासन संविदा क्यों कहा जाता है। आई, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, अथवा विश्व व्यापार संस्था के सदस्य के रूप में भारत की दो सुविधाओं का उल्लेख कीजिए। आई, आखिरी, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिंघम समिति की किन्हीं दो सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। दूसरा निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। वैकल्पिक प्रश्नों पर ध्यान दें। 5×8=40। ए, उत्पादन प्रक्रिया में अल्पकालीन परिवर्तनशील अनुपात के नियम का वर्णन कीजिए, अथवा उत्पादन के पैमाने के प्रतिफलन के नियमों को विश्लेषित कीजिए। अगला, पूर्ण
प्रतियोगिता मूलक बाजार की विशेषताएं लिखिए अथवा कामबंदी बिंदु क्या है, किन परिस्थितियों में एक पूर्ण प्रतियोगिता मूलक फॉर्म इस बिंदु पर पहुंचती है। सी रिकॉर्डो के विभेदात्मक लगान सिद्धांत की संक्षेप में विवेचना कीजिए अथवा केन्स के अनुसार नगद रुपया रखने के तीन उद्देश्य क्या क्या है वर्णन कीजिए। डी आय का चक्रीय प्रवाह की अवधारणा को रेखा चित्र की सहायता से विश्लेषित कीजिए अथवा राष्ट्रीय आय को मापने की विभिन्न समस्याओं की विवेचना कीजिए। ई व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। एफ व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा देश की भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। जी नंबर छ व्यक्तियों का वजन किलोग्राम में क्रमशः है 64, 60, 60, 64, 60 तथा 64। वजन का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। एच भारत में प्रचलित बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा भारत में रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार किन उपायों को लागू कर रही है उसकी संक्षिप्त विवेचना कीजिए। इसी के साथ पूरा हुआ 2018 का इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर कक्षा 12 का। धन्यवाद।